वेलकम टू आवर स्कूल करतंग। अभी फैक्ट्री का काम चालू हो रहा है। फैक्ट्री का मतलब टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। ये करतंग का गेट है। अभी कंस्ट्रक्शन काम चालू हो रहा है। साइड में साइकिल स्टैंड है। अभी काम चालू हो रहा है। ये जो हार्ट शेप का मतलब है वो सेल्फी सेल्फी पॉइंट मान लीजिए। गार्डन के लिए स्पेस है। और ये स्टील का नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। काफी अच्छा बन रहा है। अभी ये वाटर वाटर का एक डिजाइन होगा। ये जो सीधे स्टाफ रूम है अभी काम चालू हो रहा है, तो मतलब कंट्रैक्टर लोग काम करने वाले सारे हैं। अभी अभी स्कूल टाइम नहीं है, इसलिए हम सोचे कि एक वीडियो बना लेते हैं। अभी तो मतलब सारे काम नहीं हुआ है, काम चालू है। अभी काफी शानदार बन रहा है। अभी देखने के लिए भी नज़ारा अच्छा है। लगता है कि कोई मतलब प्राइवेट स्कूल जैसे ये फर्नीचर पड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड सीधे जाएंगे, सीधा जो है लेबोरेटरी मतलब विज्ञानगार, वहाँ बाद में जाएंगे। पहले हम लेफ्ट साइड होके जाएंगे। ये सीधा जो है क्लासरूम है। लगता है कि पेड़ वगैरह अनलोड हो रहा है। छोटा नारियल पेड़ जैसे लग रहा है, लेकिन ये डिजाइन है, वो नारियल का पेड़ नहीं है। और ये काम देखने वाले भी है, काम करने वाले भी है। कलरिंग का काम भी लगता है कि सारा लगभग खत्म हो गया है। ये कलर वाले भी है। बोर्ड वगैरह भी बन रहा है। कौन सा बोर्ड लगेगा अभी लग जाएगा। अभी तो लगाने वो तो तैयार होने के लिए पड़ा है। सेवेंटी परसेंट काम खत्म हो गया है और 30% बाकी है। जब काम खत्म होने के बाद भी एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट होने के बाद। आस्तिक भैया कुछ दिखाना चाहते हैं, शायद नहीं मिला। ये भी एक क्लासरूम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जी भी है। दीवार अच्छी तरीके से पेंटिंग हो गया है। लेबोरेटरी में आ गए अभी विज्ञानगार। अंदर देखते क्या क्या हो रहा है। लगता है
सारे सेटअप कंप्लीट हो गया है, काफ़ी अच्छा बना हुआ। अभी काम करने वाले भी अंदर है, सारे सेटअप पूरा हो गया है बोल रहे हैं वो। मतलब सेटअप पूरा हो गया है, केमिकल वगैरह अभी नहीं है, केमिकल मतलब लाएंगे जब काम शुरू हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगा। हाँ, इसमें केमिकल भी नहीं है, दिख रहा है। लेकिन सेटअप तैयार हो गया है, देखने के लिए कोई आस्तिक भैया, देखने के लिए कोई मतलब जो बोलते हैं प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। पीछे क्या है थोड़ा देख लेते हैं। और ये जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ ग्रास लगेगा और गुलाब का पेड़ वगैरह। काफी बड़ा स्पेस है स्टूडेंट लोगों के लिए खेलने के लिए। शानदार नजारा, एक बार सराउंडिंग चारों तरफ से दिखा देते हैं। गवर्नमेंट ने इतना खर्चा कर रहा है, तो मतलब सारे पेरेंट्स को मेरा मतलब निवेदन है कि गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़िए। अभी तो टीचर लोगों भी नया नया टीचर भी हायर किए हैं, मेरे ख्याल से पढ़ाई भी अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।